हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वो वीडियो है जिसका मुझे बेसब्री से इंतज़ार था। मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी विलक्षण प्रतिभा से कराने जा रही हूँ जिन्होंने उत्तराखंड के छोटे से गांव से निकलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, चित्रकार हैं, शिल्पकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, रंगकर्मी हैं, भारतीय संस्कृति और दर्शन के पुरोधा भी हैं। आपको 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। आपने 30 सालों तक केव्स में, गुफाओं में काम किया है। 400 केव्स की साइंटिफिक रिकॉर्डिंग की है। 6,214 केव फिगर्स को टू द स्केल कॉपी किया। आप अपने केव आर्ट, गुफा चित्र के लिए विशेष रूप से जाने जाते रहे हैं। आपके लगभग 300 रिसर्च पेपर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। 100 से भी ज़्यादा सोलो एग्जीबिशंस देश और विदेशों में लग चुकी हैं। 30,000 से ज़्यादा पेंटिंग्स आप अब तक बना चुके हैं एंड 54 बुक्स लिखी जा चुकी हैं। और आज 84 ईयर्स की उम्र में भी आप सवेरे सूर्य के निकलने से लेके सूर्यास्त तक का पूरा समय अपनी कला को देते हैं। इतना ही नहीं, आपने नैनीताल जनपद में 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित भीमताल की सुरम्य घाटी में लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना, उत्तराखंड की संपदा, कला और संस्कृति के संरक्षण और प्रसार के उद्देश्य से की है, जहां पर करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म से लेकर इंसानी विकास से जुड़ी स्मृतियां जैसे कि पाषाण उपकरण, गुफा चित्र, वीर स्तंभ, वाद्य यंत्र, पांडुलिपियां, जनजाति और तिब्बती संस्कृति की झांकियां और विलुप्त हो चुकी कुमाऊं की कास्ट कला के नायाब नमूनों का संग्रह है। सर, आप डॉक्टर सुरेश मठपाल, श्रद्धेय डॉक्टर यशोधर मठपाल जी के सबसे बड़े बेटे, लोक संस्कृति संग्रहालय के निदेशक, और आपने अपनी 30 साल की प्रोफेशनल लाइफ को तिलांजलि देकर अपने पिताजी के सपने को साकार करने के लिए और उसको एक विस्तृत रूप देने के लिए आप प्रयत्नरत हैं। आपका बड़प्पन है, आप इतना सम्मान दे रहे हैं। सर, अभी आपका ये म्यूजियम के एक्सपेंशन का काम चल रहा है। ये आपका इसमें आपके फोर डिफरेंट वो अभी इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि इसको प्रसार करें। दो साल तो कोरोना की वजह से हो नहीं पाया था काम वगैरह, तो इस साल हम चाह रहे हैं कि हमारी एक इच्छा है कि यहाँ पर टूरिस्ट फुटफॉल बढ़े, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस जगह की जानकारी मिले, इसलिए हम थोड़ा ये प्रयास कर रहे हैं, मेनली प्रमोशन का काम कर रहे हैं। मंजू सर, आपका स्वागत है। परम पूजनीय डॉक्टर यशोधर मठपाल जी को मेरा नमन, सादर प्रणाम। आपने मेरा अनुरोध स्वीकार किया, आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। पहाड़ की वादियों से निकलकर आपने वैश्विक स्तर पर अपनी छाप बनाई, आप हम सभी के लिए प्रेरणा के एक स्रोत हैं। तो सर, मैं आपके बारे में जानना चाहूंगी, तो हम लोग शुरुआत करते हैं आपके बचपन से, बचपन की खट्टी मीठी यादों से। तो सर, आपका बचपन कैसा रहा? सर बैठ के बात करना जी, आइएगा। हाँ, तो आपने बचपन के बारे में पूछा है, ये बहुत प्रभावशाली तो नहीं है लेकिन आश्चर्यजनक अवश्य है, क्योंकि मैंने अपने जन्म के 20 दिनों तक मैं माता के दूध से लगभग वंचित रहा शुरू में। तो ये विधाता का पहला व्यंग था कि मैं मेरी माँ का दूध बंद हो गया था मेरे पैदा होते ही।
तो इसलिए मैं किस ढंग से जीवित रहा। और दूसरे दिन हमारे दादाजी जो थे, जो परेशान हो गए थे मेरे रोने से, तो वो जाकर के गाय ले आए, और गाय उसमें 20 रुपये में ही गाय मिल गई थी। तो उस गाय के दूध से फिर मेरा शरीर का पोषण हुआ। इसलिए मुझे माँ के साथ ही गौमाता का भी अधिक ऋण है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बाद में आपको बताऊँगा कि मैं 1 महीने गौमाता के लिए लुधियाना जेल में बंद भी रहा। ओके। हमारी मौसी भी रहती थी, और दूसरा हमारे भाभी जी का मायका वहीं था, तो डालीगंज में। तो इसलिए हमें ये हो गया कि हमने सोचा कि यही बात है, लेकिन मेरा स्वाभिमान अपना था कि मैं न तो मैंने कोई कभी भी चीप पोस्टर नहीं बनाए थे विज्ञापन में। जैसे आप तो पोस्टरों का ज़माना ही चलेगा, उसमें तो ये जो चुनाव होना हुए बहुत पोस्टर बनते थे। तो मैंने फिर वहाँ साक्षरता निकेतन है लखनऊ में, वो अमेरिकन लेडी थी वेल्दी फिशर, तो उन्होंने स्थापित किया था। वो तो बड़ी मतलब बहुत ही ऊँचे स्तर की देवी थी, जो कि वहाँ उनके व्यक्तित्व ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सर, ये कुटिया के बारे में बताइए सर थोड़ा। ये हम जब यहाँ शुरू में आए, तो जब हमने संग्रहालय के लिए कमरा बनाया, तो उसके बाद ही फिर हमने यहाँ कुटिया बनाई, ताकि हम यहाँ रह सके। छोटा सा परिवार था हमारे, 3 बच्चे और हमें, तो उसमें यहाँ पर ये कुटिया बनी और हम इसमें रहे शुरू में। और सारा ये प्राकृतिक परिवेश आप देख रहे हैं। अच्छा, इसमें पूरा मिट्टी का फ्लोर है। सब कुछ मिट्टी का फ्लोर है, और ये लकड़ियों से खाना बनाने का। और ये अच्छा, इधर दिखाओ, ये है चूल्हा जिसमें लकड़ियाँ जला के खाना बनता है। और इस साइड भी दिख रहा है सर, ये चूल्हा। हाँ, ये तो जाड़े में कोयले रख दिए, और अच्छा, उसमें जो भड्डू होता है ना, उसमें खाना बनता रहता है। और इनके नीचे सारे। भीमताल में आपका म्यूजियम बनाने का आइडिया कैसे आया, लैंड वगैरह? ये ऐसा था कि पहले संग्रहालय का तो विचार नहीं था, पहले आश्रम का विचार था। हम बात कर रहे थे कि म्यूजियम की कैसे स्थापना हुई, कैसे विचार आया। मैंने आपको बताया था कि लखनऊ में मैं रामकृष्ण मिशन से भी संबंध रहा, तो रामकृष्ण परमहंस जी का, माँ शारदा का हमें बड़ा मतलब उनका प्रभाव पड़ा। और शादी तो मेरी इच्छा से नहीं हुई। ये जो गेस्ट स्पेसिमेन है, जो पाषाण काल के, तो ब्लेड फाइन ब्लेड है। अच्छा सर, वो बताइए जो 1993 वाली घटना थी, आपने उस दिन मुझसे शेयर की थी सर। जी, मैंने आपसे कहा था कि मैं मैनुअली रिकॉर्डिंग करता हूँ केक प्रिंटिंग की, और शायद ही कोई ऐसे ढंग से करता होगा। पहले फ्रांस में भी थी। पूरा लैंडस्लाइड भी दिखा रखा है, और ये ताल भी दिखा रखा है। तो ये इसका अपना एक ग्रामर होता है, आप देख रहे हो ना, सारे कंटूर जितने हैं, ये इस सब कोई पिक्चर से बाहर नहीं आ। क्या कहते हैं, जैसे आपने इतने फॉरेनर्स के साथ काम किया, तो वो इंडियन टैलेंट को कहाँ रखते हैं, किस तरीके से वो उसको कैटेगराइज करते हैं, प्रेज करते हैं? देखिए, ऐसा है, केवल टैलेंट ही नहीं है, हमारे भारतीय कल्चर को भी लोग पसंद करते हैं। सर, लाइक अभी आप 84 की एज पे हैं, तो अभी आपकी क्या दिनचर्या रहती है? मेरी दिनचर्या हमेशा से एक ही रही है कि जब तक सूरज का प्रकाश है तब तक काम करना है आराम। सुरेश जी, जरा बताइए कि म्यूजियम के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। ज़्यादा डिटेल तो मैं वीडियो सेकंड जो इसका पार्ट बनेगा जी, उसी में बात करेंगे। क्या आपका एक्सपेंशन का प्लान है, और म्यूजियम में आपके क्या क्या 4 डिफरेंट कैसे आपने पार्ट्स में उसको डिवाइड किया है? वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जल्दी ही वीडियो का पार्ट 2 लेकर आऊँगी, जो कि एक्सक्लूसिवली म्यूजियम विजिट होगा। आप जब भी नैनीताल आएँ, एक पूरा दिन भीमताल के लिए रखें। भीमताल देखे बिना नैनीताल का ट्रिप अधूरा है। भीमताल भवाली रोड पर एकदम रोड साइड से लगा हुआ है लोक संस्कृति संग्रहालय। फिर मिलते हैं आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड।